जो नहीं मानेंगे ना वो जुर्रत करें और खुद आके बोले ना, आगे कहे कि नहीं मानता मैं फैसला। एक दफा रिजेक्टेड की ट्वीट की थी एक DGISPR ने, और उसके बाद लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस लेनी पड़ी थी। मजाक थोड़ी है, पाकिस्तान हलवा है, फैसला नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है भाई। ये ऐसे ही आप बच्चे बचूड़ों से या इधर उधर से बंदा पकड़ के आप कहते हैं जाके धमकी ला दे, और पिंड के अंदर ना जो नया नया बदमाश होता है ना उसके साथ एक मरासी रखा हुआ होता है पतला और सा वो मरासी को कहता है कि जाके खानदानी लोगों को धमकियां लगा, फलाने को जाके दस मैं इंच कर देगा दे, पहुंच कर देगा। और जिस दिन मरासी को चौक में छितर पड़ रहे होते हैं ना, तो वो जो नया बदमाश होता है ना वो मरासी को पहचानता भी नहीं है। जो धांधली वाला केस है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जस्टिस बंसूरदी शाह साहब अगर आते हैं और वो आकर ये केस लगाते हैं और फिर एक फुल कोर्ट बनता है, तो उस सूरत में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब जजेस के सामने सारे हकायक आएंगे ना, तो ये इलेक्शन का लदम हो जाएगा। इस फैसले में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में कैटेगोरिकली ये फैसला बता रहा है कि वो अपने फंक्शंस में नाकाम हुआ, उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन के पल्ले कख नहीं बचा, ये उनके ऊपर एक चार्जशीट है। तन तरीके इंसाफ को फायदा पहुंचा, एक कि वो अब केस कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, रेफरेंस दायर कर सकते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 मुअज्जिज जज साहबान फुल कोर्ट में बैठकर ये डिसीजन दे चुके हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी ड्यूटी फिलफुल नहीं कर सका, और इसकी वजह से पूरा एक इलेक्शन चपोताज हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा हैपनिंग दिन है आज। पाकिस्तानी सहाफत के सूरज एंकर इमरान रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया भाई आपका। वेरी मच वेलकम। स्मार्ट सर माशाल्लाह, नीली शर्ट आपने जबरदस्त रंग पहना हुआ अच्छा आप देख रहे हैं मुझे, है नहीं अब आप भी मुझे स्मार्ट कहेंगे तो फिर तो मैं फील करूंगा। अच्छा इमरान साहब ये बताएं सर, योर फर्स्ट रिएक्शन, ये फैसला तो खैर लार्जली डिस्कस हुआ है, अब जब हम ये वीडियो कर रहे हैं मेरे ख्याल में इस वक्त बज रहे हैं जी 5 बजने वाले हैं, लिहाजा और भी हैपनिंग स्टोरीज हो सकती हैं, हैपनिंग हो सकती है इस सारे मामले में। सर व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन, जजेस ने क्या कहा, ये क्या हो गया है पाकिस्तान में? देखिए ये ऑब्वियस था और ये होना था, चंद चीजें जिनका जवाब नहीं मिल रहा था और जिनके सवालात उठाए जा रहे थे फैसला आने के बाद से लेकर अब तक, वो मजीद क्लियर हो गई है। तो 70 सफहात हैं ये सारे, अभी मैंने पढ़े तो नहीं, लेकिन जितना मैंने अभी तक फैसले को पढ़ा है उसके मुताबिक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटैक्ट है, पोलिटिकल पार्टी के तौर पर वो मौजूद है, और 13 जनवरी का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बल्ला छीनने वाला, वो है असल में फसाद की जड़। जब तक काजी फायज ईसा साहब जिंदा रहेंगे या जब तक पाकिस्तान की अदालतें कायम रहेगी, तब तक इस फैसले को एक स्याह फैसले के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा। और इस फैसले की जिस तरह से तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने, और जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद इस फैसले को एक हथियार बना लिया, और मामला तो इतना था ना कि आप बल्ले का निशान ना दें, उन्होंने पोलिटिकल पार्टी भी खत्म कर दी, तो इस मामले में भी बड़ी क्लैरिटी आई है इस फैसले में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में कैटेगोरिकली ये फैसला बता रहा है कि वो अपने फंक्शंस में नाकाम हुआ, उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन के पल्ले कख नहीं बचा, ये उनके ऊपर एक चार्जशीट है। दो चीजें हो गई हैं, देखें एक तो जो दो जज साहबान ने जो इख्तलाफी नोट लिखा तफसीली फैसला आने से पहले, देखें अब उनके पास इख्तलाफी नोट की गुंजाइश भी नहीं है, मुमकिन है काजी फायज ईसा साहब ने पहले नहीं लिखा हुआ, हो सकता है वो अब लिख लें। फैसले ने जो चीजें क्लियर की है, दो तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचा, एक कि वो अब केस कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, जी रेफरेंस दायर कर सकते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 मुअज्जिज जज साहबान फुल कोर्ट में बैठकर ये डिसीजन दे चुके हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी ड्यूटी फिलफुल नहीं कर सका, और इसकी वजह से पूरा एक इलेक्शन चपोताज हो गया और बर्बाद हो गया पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का प्रोसेस, पाकिस्तानियों के पैसे जाया हो गए और इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं, लिहाजा इन लोगों को इसकी सजा दी जाए, और इन्होंने डेलिबरेटली किया। अगर आप तफसील में जाए ना फैसले की वो पैराग्राफ्स आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है कि अदालत ये नहीं कह रही कि आपसे गलती से हो गया, अदालत ये बता रही है कि आपने गलती की, उसके बाद गलती की, उसके बाद गलती की, आप लगातार ऐसी चीजें करते चले गए जिससे वोट को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वोट की इज्जत आपने छीन ली। कुछ चीजें उन्होंने क्लियर की हैं, एक तो देखें ये जो काजी फायज ईसा साहब बार बार कहते थे ना कि जो आईन की किताब में लिखा हुआ है ना उसके लकीर के फकीर बन गए सारे,
यानी जो उसमें लिखा हुआ उसके ऊपर एक एक लफ्ज के ऊपर नुक्तों के साथ आप अमल दरामद करें, एक फुल स्टॉप को भी इधर से उधर ना करें। तो जजों ने यह बताया कि जनाब इंसानी दिमाग को अप्लाई करना पड़ता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। जो बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो लिखा हुआ ही नहीं है, ऐसा ही। वो तो कन्वेंशन के ऊपर चलते हैं हाँ जहां से आपने ये आइडिया ड्राइव किया है। और मामला ये है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन कोई आसमान से उतरी हुई किताब नहीं है। जब इसकी आप तशरीह करते हैं तो आप हालातों वाकियात को मद्देनजर रखते हुए, इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए फिर आप इसकी तशरीह करते हैं। ये नहीं हो सकता कि जो लिख दिया वो लिख दिया, ये मुमकिन नहीं है। आपने हालातों वाकियात को देखना है, आपने देखना है उस वक्त लोगों की नीयत क्या थी, किया क्या जा रहा था, ज्यादतियां कहां पे हो रही थी, किसका कितना नुकसान हुआ है, और फिर एग्जैक्टली उसको आपको अजाला करना पड़ेगा। तो अगर इसको समरी आप इसकी निकालें तो ये है कि जो दो जजेज हैं उनके ऊपर डिस्प्लेयर है, और उनके बारे में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ आवाज उठा सकती है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अमीनुद्दीन खान साहब। और इसके अलावा जो दूसरा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किल है। अब अमल दरामद है उस पर फिर बात करेंगे। अब सर ये एक और चीज, इसका मतलब ये है कि जब ये सारी गुफ्तगू और बातचीत हो रही है, 2024 के इंतखाबात तो सर वो कलदम करार देने चाहिए थे इन जजेस को, चूंकि ये जिस तरह से आपने कहा ये लिख रहे हैं, सरकमस्टांसेस क्या थे, इलेक्शन के सरकमस्टांसेस, सुन नहीं था काउंसिल में जाने के सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांसेस बार बार लिखा जा रहा है, लेकिन ये कलदम होना चाहिए ना 2024 का इलेक्शन। देखिए ये केस नहीं था अदालत के सामने, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये फिर एक नेक्स्ट स्टेज पे सारी चीजें चली जाती। अदालत के सामने ये वाला केस नहीं था, जो धांधली वाला केस है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ यार पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने पिटीशन डाली हुई है, जिस दिन वो केस लगेगा तो उम्मीद है कि वो भी फुल कोर्ट में जाएगा। उम्मीद है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि काजी साहब जाने से पहले कोशिश करेंगे कि अपनी मर्जी का एक बेंच बनाकर उसके सामने ये वाला केस शिफ्ट करके चले जाए। काजी साहब मुमकिन है कि ये कोशिश करें, क्योंकि देखें ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो नया स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो काजी साहब हम ख्याल बेंच बना सकते हैं, और इस पे वकला का बड़े तहफुजात भी हैं, बड़ा रोला भी इस पे पड़ा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतना सिंपल होगा। इसके अंदर और भी शोर शराबा हो सकता है। और दूसरी जानब जस्टिस बंसूरदी शाह साहब अगर आते हैं और वो आकर ये केस लगाते हैं और फिर एक फुल कोर्ट बनता है, तो उस सूरत में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब जजेस के सामने सारे हकायक आएंगे ना तो ये इलेक्शन का लदम हो जाएगा, फिर आपको दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना पड़ेगा। That's very right, वो पटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। अच्छा सर ये भी ब्राइम मेहरबानी बताएं कि जो ये फैसला आता है, फैसला आने के तो तकरीबन 30 मिनट बाद, हम नोट कर रहे थे, मुनीफ फारूक साहब, वरिष्ठ मुनीफ फारूक साहब सर हमारे कुलीग हैं, वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आते हैं और वो आकर कहते हैं नहीं माना जाएगा, रियासत फैसला कर गई है, नहीं माना। सर रियासत, अब खैर ये एक डिबेट है, लेकिन रियासत फैसला कर गई है कि नहीं मानेंगे, जीओ पर, एआरवाई पर, ये वाकई तो उन्होंने दिया गया, पहले से बता दिया गया, जाके कह देंगे नहीं मानेंगे। जो नहीं मानेंगे ना वो जुर्रत करें और खुद आके बोले ना, आके कहे कि नहीं मानता मैं फैसला। एक दफा रिजेक्टेड की ट्वीट की थी एक डीजीआई एसपीआर ने, और हाँ उसके बाद लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस लेनी पड़ी थी। मजाक थोड़ी है, पाकिस्तान हलवा है, फैसला नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है भाई। ये ऐसे ही आप बच्चे बचूगड़ों से या इधर उधर से बंदा पकड़ के आप कहते हैं जाके धमकी ला दे, ये होता ही है कि पिंड के अंदर ना, पिंड की मिसालें बड़ी देता है हमारा एक दोस्त, और पिंड के अंदर ना जो नया नया बदमाश होता है ना उसने साथ एक मरासी रखा हुआ होता है पतला और वो सा मरासी को कहता है कि जाके खानदानी लोगों को धमकियां लगा, फलाने को जाके दस मैं इंज कर देगा, दे उंज कर देगा। वो जिस दिन मरासी को चौक में छितर पड़ रहे होते हैं ना, तो वो जो नया बदमाश होता है ना वो मरासी को पहचानता भी नहीं है। तो बस ये मैं कहानी में आपको बता सकता हूँ। सही बात है, वो जो बंदा होता है साथ सर वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, उसकी जाहिर है वो हमने देखा है सर। अगला 1 महीना अब जो काजी फैसल साहब के पास गिन चुनकर 25-30 दिन है, और फिर जो कमेटी उन्होंने अपनी मर्जी की ले ली है सर, ये तो मियां नवाज साहब से बड़े लाड ले हैं, इन्हें तो मनपसंद जो ये चाहते हैं, इतना बड़ा लाड देखा है किसी चीफ जस्टिस के साथ आप? देखें जी, मियां नवाज शरीफ से बड़ा लाडला तो कोई भी नहीं। काजी फायज साहब एक्चुअली देखें मियां नवाज शरीफ साहब की लाइफ लाइन, और मियां साहब पाकिस्तान नहीं आए जब तक कि काजी फायज साहब चीफ जस्टिस नहीं बने। आर्मी चीफ तब्दील हो गए वो नहीं आए, वजीर आजम भाई बन गया वो नहीं आए, भतीजा वजीर आला बन गया वो नहीं आए, इमरान खान जेल में चला गया वो नहीं आए, सारी रुकावटें दूर हो गई वो नहीं आए, 9 मई हो गया वो नहीं आए। मियां साहब कब आए? जैसे ही काजी फायज साहब चीफ जस्टिस बने वैसे ही वो आ गए, और जैसे ही काजी फायज साहब हॉट वाटर्स में जाते हैं पीएमएलएन के अंदर से ये खबरें आना शुरू हो जाती है कि मियां साहब इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं। तो मियां साहब का सारा इंसार ऐसा लगता है मियां साहब की टाइमिंग के साथ और उनके कंडक्ट के साथ
और जिस किस्म की आईनी तरमीम मियाँ नवाज शरीफ करना चाह रहे थे, यानी बहुत सारे लोग अब ये बयानियां बना रहे हैं कि मियाँ साहब को तो पता ही नहीं सी कि आईन पे इतना बड़ा शब खून मारा जा रहा था, मियाँ साहब को तो पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी ज्यादती हो रही थी। ये मियाँ नवाज शरीफ को टेलीफोन के साथ चिपके हुए थे और लोगों को फोन कर करके कह रहे थे कि अल्लाह का वास्ता वोट पान आ जाओ। ऐसा ही और शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर तो नून लीग के बंदे वोट नहीं डालते। मैं आप मेरे से लिखवा ले ये बात, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग नहीं कॉल कर सकता, पूरे बंदे इकट्ठे नहीं कर सकता, 70% बंदे भी नून लीग के इकट्ठे नहीं कर सकता शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर। अगर ये सारे बंदे इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो नवाज शरीफ वाज देयर, और नवाज शरीफ ने ना सिर्फ अपने लोगों को बल्कि दूसरी जमातों को भी, इवन फजलुर रहमान साहब को भी हर तरफ से टेलीफोन करवाए, खुद भी राबते किए कि अल्लाह का वास्ता वोट पा दो। और जहां पे इन्होंने जिस जिस की मिन्नत की है मियाँ साहब ने, वो सबको पता है। और उसके बाद जब मियाँ साहब को पता लगा कि दाल नहीं गल रही, तो मियाँ साहब ने जनाब गाड़ी पकड़ी और वोट को इज्जत देते हुए फिर लाहौर चले गए। ऐसा ही दैट्स ट्रू। अब सर एक एक और बड़ी खबर आज आई है और ये अपॉइंटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इस सारे टाइम में। DGISI नए जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, अब आसिम मलिक साहब माजरत के साथ, उन्हें अपॉइंट किया गया। पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया इदारा, उसका नया सरबरा, क्या चैलेंजेस होंगे एक ऐसे टाइम में जब बिल्कुल पोलराइज मुआशरा। देखिए DGISI के लिए मैं देखे इनके पॉलिटिकल रोल को तो मानता ही नहीं और मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता, बिकॉज उनका आईन में कोई सियासी किरदार है ही नहीं, तो उस पर बात क्या करनी, जो किरदार ही नहीं है तो उस पर आप बात नहीं कर सकते। हाँ, ये उम्मीद की जाती है कि फौज के इमेज की बेहतरी के लिए, और वो काम DGISI का नहीं होता, वो फौज की सरबराह का है, आसिम मुनीर साहब करेंगे वो काम, ISPR करेगी वो काम। इनका जो है वो इस वक्त इंटेलिजेंस के मामलात हैं, बलूचिस्तान के हालात में, खैबर पख्तूनख्वा के हालात पे, अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस में, और रिलेशंस तो फॉरेन ऑफिस ये काम करेगा, लेकिन जो इनकी इनपुट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ISI का एक सिक्योरिटी के हवाले से एक रोल है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हवाले से एक रोल है ISI का, और वहां पे काफी काम की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का अफरिया जो है वो दोबारा सर उठा रहा है। कल का वाकया अब आपको याद होगा कि जो हुआ, ऐसा ही लोगों को वापस पहुंचाया, तो यहाँ फेलियर बहुत दफा हुआ है, बड़ी कामयाबियां भी हमने हासिल की है, बहुत सारी जगहों पे हमने दहशतगर्दी होने से पहले रोकी भी है, लेकिन जो वाकयात हम रोक लेते हैं वो किसी खाते में नहीं आते। जब कोई एक वाकया हो जाता है, जब एक वाकया हो जाता है दहशतगर्दी का और कोई बड़ा वाकया हो जाता है, तो जितनी मेहनत आपने की हुई होती है तो ये एक थैंकलेस किस्म की जॉब है, और इसमें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की और जोर लगाने की जरूरत है। तो पाकिस्तान को इस वक्त अमन चाहिए और इस्तेहकाम चाहिए, इस्तेहकाम के लिए तो सियासी लोग मिलकर काम करेंगे, वो उनका काम है, फौज का काम नहीं है, लेकिन जो अमन है उसके लिए जो है वो फौज का काम है, स्पेशली ISI का जो रोल है वो उनको प्ले करना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डोर पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुजश्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कानून मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डोर पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए, क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है, और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।